ड्राइवर कौन है भाई, वो भी मैं जल्दी रिवील कर दूंगा, डोंट वरी। इसी व्लॉग में आपको ड्राइवर पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं, इंतजार करो। तो गाइस उनने को व्यू थे डेक्स को, और गाइस पहुंचने वाले लैंडिंग करने वाले हैं। अगर थाने देखना है कि मैं किस आगे जा रही हूँ तो व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा बिटो बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि कुछ ही सेकंड मैंने उनका फेस दिखा रखा है। तो थे देख सको। राम राम, नून प्रणाम, नमस्ते, स्वागत है थारो बागड़ो गए फिर नए व्लॉग में। तो गाइस जुकर की मैं थाने बतायो, चलते हैं ऋषिकेश, और आउटफिट है मेरा ऑल ब्लैक। तो अभी शिव जी मूर्ति कन्वन वीडियो बनानी है, जैसे कि मैं थाने बताई हुई हो, तो मैं यू कुर्तो डालूंगी, थोड़ा सो वेस्टर्न ज़्यादा शोभा कौन दे सभ्य कौन दे, ये तो मतलब कि लेक लेक वगैरह हम जाऊँगा, अब थोड़ा घूमांगा वीडियो वगैरह बना लेंगे तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा मंदिर के हिसाब में ठीक लगे। तो चला और गाड़ी में चेंज कर लूँगी, या मेरा कोई चेंजिंग रूम हुआ गो तो जो भी है। तो बात है इसी जुड़े डरो, दिखाऊंगी मैं थाना आगे कि मैं किस आगे आ रही हूँ और किस आगे को नहीं, ठीक है? तो जुड़े हुए रहो। तो गाइस वीडियो बना ली मूर्ति करने, बहुत प्यारी प्यारी थाने दी ही जाओगी, मिल जाओगी, एक वीडियो कोशिश करूँगा इन डाल दूँ, ठीक है? और अभी बिना रुके आप चलेंगा सीधा ऋषिकेश का, नहीं तो थक चुके हैं। ये रही मेरी रानी, तीसरी रानी, जो आजकल पहले नंबर पे है। वैसे तो मैं गलत रूट चढ़ गई, लेकिन यो रूट बहुत अच्छा लगे, वो पेड़ पौधा देखो कितना एंडी है, मतलब फूल ही फूल वाला पेड़ पौधा है, और वे पर ने पहाड़ देखो थे, मन भी रोड जानो है, तो यू टर्न लूंगी और आगे देखो कितनो प्यारो है, वाह, हेलो यू लगे जान फॉरन कंट्री में फिरन लग रही हूँ, क्या कमी है अपने देश में बताओ, लोग अगर मार लेंगे कितने तो बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ, और ये नारा ठोके आप बरगे मौज कितने। तो गाइस मेरी नोज रिंग पड़ गई जिक्र की थाने ठाई है, नाक लागन लाग रही है बड़ो बड़ो कोजो, और ऋषिकेश काफ़ी दूर है, 20-30 किलोमीटर है, तो कोई ज्वेलर देखने लग रही हूँ अच्छा पीसी तनिष्क वगैरह की कोई फ्रेंचाइजी मिल जाए तो ले लूँ एक नोज रिंग, सोच तो रहा हूँ डायमंड की ले लूँ, ठीक है बट की बट वन ब्लैक लेनी है, ब्लैक सोनी लगेगी, या फिर अगर लेऊँगी तो बिल्कुल ही प्लेन प्लेन लेऊँगी जो रंग कितने दिए, एक तो प्लेन प्लेन नाम को नहीं आओ मैं प्लेन प्लेन के हो ठांग सांग उठाया बनी भाई, अपना तो हिंदी मीडियम है, यहाँ पर इंग्लिश बोलने ही करनी, तो देखो यहाँ तो बिल्कुल ही सिंपल से लेऊँगी, और डायमंड में मिलेगी तो डायमंड में देखूंगी, बाकी तो किसी मिले मन लगे कि मिल जी वो ही ठीक है, जार देखा तो मिल गया तो मैं थन जरूर दिखाऊंगी, अगर कोई अच्छा ज्वेलर में देखने लग रही हूँ, गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर कौन है भाई वो भी मैं जल्दी रिवील कर दूंगा, डोंट वरी, इसी व्लॉग में आपको ड्राइवर पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं, इंतजार करो। गाइज एक घंटा हो गया मैंने ट्रैफिक में फंसे ऋषिकेश ऋषिकेश में, और के बताऊँ मैं अब तक भी कौन खुलन ला रहे हो, इतनो लंबो ट्रैफिक लग रही है कि बस थोड़ी थोड़ी गाड़ी आ गई सिरके 5-5 मिनट में, और देख सको थे क्यूकर साधन जाना लग रहे हैं। तो गाइस फाइनली पहाड़ शुरू हो चुके हैं, फिलहाल आप चलेंगा लक्ष्मण झूले पर, और थोड़ा सो थाने लक्ष्मण झूलो भी दिखा दूँ, और मैं 2-4 वीडियो बनाई हूँ, और फिर चलेंगे पहाड़ों में ही, मन तो भाई झील कन जाना है जित, मतलब मैं वाह करूँगी भी रबड़ वाले जहाज में बैठूंगी कर दी गवार वाली बात न बला के गठी बैठ के कदो ये बात देसी है भाई, देसी रंग सीधी सी बात है,
मन तो भी रबड़ वाली जहाज में बैठना है, जिम्बा ऊपर नीचे लहर में बजे, क्राफ्ट क्राफ्ट क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग वहां करनी है। ना इंसान खातर बोलू भाई, बोट राइड लेनी है मेरे को, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, किस टाइम तक पहुंचते हैं, और कैंपिंग करने की पूरी पूरी प्लानिंग है, आज कैंपिंग करेंगे, तो देखते हैं अच्छी कैंपिंग कहाँ मिलेगी ऋषिकेश में, बनाते हैं प्लान। भी गई जी 1 घंटे हो गए, कार पार्किंग कौन मिलने लगा रही, पार्किंग तो बहुत है लेकिन मेरी गाड़ी पार्क नहीं हो रही, क्योंकि इसको पार्क करने के लिए लेवल जगह चाहिए, ऊंची जगह नहीं कर सकते, ऊंची नीची पर हाँ नीचे बात बन जाएगी अगर अपनी गाड़ी उतर गई तो। सबर कर ले, पैसे तो नहीं देके भाग रहा हूं मैं, पार्किंग करके आ चुकी हूँ, और छोटा सा कैरी बैग ले लियो सामान कैरी करन खातर, टिकट टाकट ले लिया और चला, गाड़ी तो हो गया आनो ही आनो, फिर भी चलो जितनी हो उसका प्रोटेक्शन करांगा। गाइस गाड़ी आ गई गोंजास के, और बुकिंग करके बलेरो में जानो पड़े अगर, तो मैं थोड़ा लेट आ, अगली बुकिंग मान 3 बजे मिला, तो ऑफिस जाना पड़ेगा पीछे, स्कूटी पे छोड़ के गया, बढ़ गया लू मैं, फुल तकड़ा बढ़ गया भाई, बहुत गंदी हरकत। तो गाइस फाइनली पहुंच गया 16 किलोमीटर वाली है, केड़ा किसी है 16 किलोमीटर जो भी वाली है, तो इतू लोकेशन तक पहुंच जाऊंगा, और ये मेरा पहली बार है जब मैं राइड बोट राइड कर रही हूँ। फाइनली गाइज रेडी हूँ मैं गंगा में कूदने खातर और चप्पू चलाने खातर भी, तो देखा कुकर को एडवेंचर है, को डूबांगा बचांगा टाइम बताओगे। तो गाइज उनने को व्यू थे डेस्क को, और नीचे चार लग गया, और ये लिफाफा वगैरह डालना पता को नहीं जो भी है, तो चलो जंग फतेह करते हैं या डूब मरते हैं, और गंगा में डुबकी भी लगाऊंगा, लेकिन फ़ोन यूज़ कौन कर सकता, तो शायद मैं ना दिखा पाऊँ, और के पता अगर दिखा भी पाऊँगी तो टाइम बताओगे, बट फ़ोन पड़न को रिस्क है, वही 1.5-2 लाख को चुमड़ लग जाए वो, तो चलो मिलते हैं नदी में, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको राफ्ट के बारे में बताऊंगा, राफ्ट का फ्रंट साइड बैक साइड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये टोटल 9 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 साइड चैम्बर्स, 1 क्लोज टू एंड 1 फ्लोर। इसमें फ्रंट का पता कैसे चलता है, लंबी रोड दिख रही है इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन, जो ये साइड में दिख रही है येलो एंड ब्लू ब्लू कलर की, इसे बोलते हैं लाइफ लाइन। बैक साइड आपका गाइड बैठता है, फ्रंट साइड आप लोग बैठते हो, गाइड के हाथों में होता है कंट्रोल एंड डायरेक्शन, आपके हाथों में होती है स्पीड, आप चलाओगे तभी यह राफ्ट चलेगी, ठीक है। आपको इसमें बैठना कैसे, जो फ्रंट में बैठेंगे टू स्ट्रॉन्गली पैडल प्रॉपर आउट साइड होकर बैठना है, ये आइसल एयर के ऊपर सिट करना है आपको, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड से बैठेगा सबसे पहले उसका लेफ्ट फुट या फुट टॉप के अंदर लॉक होगा, राइट फुट बैक से एडी करनी है सब लॉक सपोर्ट के लिए, आपको ये क्रॉस चेक के सारा लेते हुए अंदर नहीं आना, क्या होता है रैपिड टाइम पंपिंग करते हैं आपको एंड डाउन, या आपको इजीली उछाल के बाहर फेंक देगा, इसलिए आपको यहाँ आउट साइड चैम्बर में सीट करना है। राइट हैंड साइड से सेम बैठेगा, सिर्फ उसका फुट चेंज हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड कुछ नहीं होगा, टेंशन मत बैठ जाओ सचिन, बैठ जाओ, नहीं नहीं भाई इसका कुछ नहीं, टीम वर्क कैसा हो वो है ना यार, क्यों टेंशन है, कहाँ पर भी है कहाँ बैठे भी है, इधर ही बैठो भैया, हैं और साइड होके बैठो, बाहर होके बैठो। अरे गाइस होल्ड योर पैडल थंब डाउन, फोर फिंगर अप, जस्ट नियर रैपिड, रेंडर रेंडर वीडियो रेंडर भाई भाई यार रेंडर वीडियो रैपिड वाला क्या बोल। हेलो गाइस कम बैक, और सारो की हो गयो अब फुल आया गंगा नदी, ठीक है, और तो बस के बताऊँ, ये भाई साहब नहीं गए पानी में, इन्होंने अपने फ्रेंड को धोखा करके भेज दिया, और इन भाई ने हमें फ़ोन नहीं दिया बीच में, जिस वजह से मेरी ब्लॉगिंग नहीं हुई लेकिन अब कर लेंगे डोंट वरी। तो फुल मज़ा आया भाई, फुल मज़ा आया, और बस अभी पहुँच गया, ठीक है, और थाना व्यू दिखाऊँ, बाकी छोटी मोटी क्लिप अभी ऐड हो जाएगी देख सको। ये लक्ष्मण झूला नहीं है ना,
ये प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, बोल रहे हैं ये पीछे वाला जो झूला है ना वो लक्ष्मण झूला है, और मैंने बोला नहीं है नहीं है, जिद करे बैठे गए हाँ यही है यही है यही है, ऐसे नहीं नहीं भैया के बिना हमें गाइड कौन करेगा, अभी घर पहुंचना है, ऐसे मत करो। तो पैदल चला रहे हैं, बाकी यात्रा सफल रही और फुल मजे किए। तो गाइस पहुंचने वाले हैं, लैंडिंग करने वाले हैं ऋषिकेश की वही तक करती है, और अब वही होटल देखेंगे या कैंपिंग वगैरह देखेंगे, देखते हैं क्या बेस्ट रहता है, तो उसी हिसाब से स्टे करेंगे। और यहाँ मेरा नहाने का दोबारा मन कर रहा है, तो शायद मैं दोबारा नहा सकती हूँ। बहुत मजा आया। और चलिए फाइनली चलते हैं, एंड ये ऑस्ट्रेलिया से है, और ये तो भाई क्या एक्सपर्ट है कनाडा वाला, तो मुद्देदार लोन है, कूदता है वेव में भी। तो गाइस अभी भूख लग रही है, और रोटी कौन खाई सुबह की, तो शाम की भूख ना खराब हो, भी खतर, और पानी लियो है, एक किनले वगैरह कमी है, वेदिका को बहुत अच्छा पानी है भाई, टेस्टी टेस्टी है भी। और सैंडविच पास्ता आ रहा है, एक ब्राउनी आ रही है, और दो कोल्ड कॉफ़ी आती है, और जल्दी देखते हैं कि उत्तराखंड की कॉफ़ी और पास्ता कैसा है। बहुत टाइम बाद वैसे तो मैं पास्ता खाने लग रही हूँ, बट देखते हैं। तो मेरी ब्राउनी आ चुकी है, और यहाँ मेरा सैंडविच, और ये माई कोल्ड कॉफ़ी जो अजीब सी है यहाँ की। तो गाइस अभी सब हो चुका है, मेकअप कपड़ा गिल्ला हो रहा है, तो एक लोअर लियो है बहुत ही प्यारो, और वीडियो बनाऊंगी थाने दी कीजिएगा, और कुछ शॉपिंग की है, और यह भी ली है धूप बचन खातर, तो देखते हैं आगे के रहे गो, बट भीड़ बहुत है, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सच में। मैं बच्चों को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ नदी के पास से ही, तो फाइनली मैंने इनसे बात कर ली, और इनको आइसक्रीम अन मैं नदी कन घनी देर देखने लग रही है, मैं आगे मिल गया, और अन आइसक्रीम दे रही अंग मम्मी पापा को दिरान लग रहा, रशियन है ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, साउंड डिलीट होगी, और अभी ये कोई ध्यान कौन दे, फुल इग्नोर मारे, फिलहाल इनको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खा रहे हैं ये, लेकिन बहुत मज़ा आया इनके साथ भी, क्यूट क्यूट बच्चे थे, और छोरी की आवाज़ तो जमा छोरा भर गई, लो यू करके बोल रही है, भाग गई छिपकली सी पर ने, छोरी बहुत क्यूट है भाई, इरलो छोर है, लेकिन पतो कौन चले कौन छोर और कौन छोरी है, तो अब ये डिसाइड करने लग रही है बेचारा। जय गंगा मैया, आरती चालन ला रही है, पहली बार लाइव आरती देखने लग रही हूँ भाई, वाओ भैया देख लो थे, राम लक्ष्मण की बहुत प्यारी फोटो है, और ईद कथा चालिया करे, तो बहुत ही अच्छो व्यू है अभी रात को, तसली हूँ जमा रात की घूमन आया, और यो है भाई राम झूलो, देख लियो फाइनली पहुंच गया, लूना की बहुत है भाई देखो, और व्यू भी बहुत प्यारो है सच में, यो व्यू है, और ये राम झूलो है भाई, देख लियो बहुत ही प्यारो व्यू है देखो, वाओ देखो गाइस कितनो प्यारो व्यू है, और ये है गंगा रिजोर्ट जो इतनी दूर से दिख रहा है, बहुत ही सोनो लोग के ऊपर खड़े हैं देखो, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही, इतना एंडी व्यू है नहीं बस के ही बताऊं। तो गाइस इसको बहुत ही प्यारो व्यू है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा ला रही है, मतलब जी तो यूं कराई तो मन जी डालर सोचिया ओके।
अंसारन बुलावा है भाई के आज जो हाथ जोड़ लियो भाई, राम राम कर लियो सारा, क्योंकि जब हम राम राम करते हैं तो हनुमान जी अपने आप खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी फोटो है। तो गाइज रात हो रही है और टाइम हो रहा है 8:30 और मेरा रिजोर्ट है 8 किलोमीटर ऋषिकेश ऊपर, तो जान लग रहे हैं अंधेरा है बिल्कुल और इतना ट्रैफिक है कि कुछ नहीं बोल सकते, इतना सदन आने लग रहे हैं और गाड़ी को शिशो जुगो थान दिखने लग रही है, थोड़ा गंदो हो रही है, लेकिन इधर ना तो कपड़ों मार सका और ना ही नॉर्मल पानी हो दो सका, क्योंकि गाड़ी अंदर ही कोटिंग करवाई है तो इधर स्क्रैच पड़ जाएगा, तो जहाँ से कोटिंग करवाई है वहीं मेरी गाड़ी धुलेगी भाई। तो मन तो यूँ लग गया हफ्ता में 2 बार धुआं हुआ तो 2000 तो कुड़को यो ही होगा, महीने में 10000 में तो ये मेरी माँ धुपा धुप कोटिंग कराओ तो भाई सोच समझ के कराइयो, क्योंकि धुआनी बहु ही पड़िया करे फिर, वरना स्क्रैच पड़ जाओगा यहीं पर। तो के बताओ गाइस देख लियो और साफ कौन कर सका शीशा, प्रॉब्लम यह है। तो अब चलते हैं रिजोर्ट और थाने रिजोर्ट दिखाऊँ जाके कि कैसा है कैसा नहीं, बहुत ही प्यारा रिजोर्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो और जो सुबह थे इंतज़ार करने लग रहे हो वो भी दिखाऊंगी, ओके। तो गाइज यो थे सिंगल वे देखने लग रहे हो और इतना डरावनो रस्तो है, बहुत सी जगह तो मतलब सेफ्टी को नहीं रोडांग करने बिल्कुल भी, अगर थोड़ा सो भी ड्राइवर हड़को हुए नहीं तो मेरे हिसाब गाड़ी नीचे उतर सके है। मेरा तो ड्राइवर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि फॉरवर्ड है, मास्टर माइंड है, तो एक नंबर गाड़ी चलाते हैं, टेंशन ही नहीं है, चाहे सो जाओ आंख बंद करके। लेकिन अरे भाई ट्रकड़ो आवे इंज सामी हूँ तो यूं लगे आ गए वहाँ गाड़ी बस बच्चे बच्चे ये यूं फील हुए अर कि मैं ओले डोमेंगो ही बहुत है, मर जाए भाई तो असी सूट उठ जाए तो, बट शौक महंगे पाले हैं तो भाई खर्चे भी महंगे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस फर्स्ट टाइम ये मेरी ट्रिप है, सोलो ट्रिप, लेकिन बहुत अच्छी है, तो जो भी है देख लियो देख लियो। कुकर लाइट लगे हो देखो, सेफ्टी बिल्कुल भी को नहीं, जब के बताऊँ अभी किसी लोकेशन में जान लग रहा घाटू घाट के ऐसे नाम हुए कुछ, तो बहुत अच्छे रिजोर्ट है वहाँ पे, तो जाके देखूँगा 5-7 रिजोर्ट बतावे जो भी है। तो 5 मिनट को राह रही है इंगे हिसाब तो, लेकिन 2 किलोमीटर है मतलब 10-15 मिनट राम लग जाएगी, और जो रेगुलर गाड़ी चलावे ना तो यूं मह लिया हुआ जाने फटाफट फुरा फुर यूं चलावे, पहाड़न तो काम दे भाई सीधी सी बात है, अल्टो कोई दिक्कत नहीं, कोई भसड़ नहीं, अभी सही सा मोड है, ठाई कौन पड़े बड़े यार साथ सिला मर जा। तो गाइस पार्ट 1 में यहीं क्लोज कर रही हूँ, सुनसान रोड है बिल्कुल थे देखने लग रहे हो, ठीक है, और इनको पार्ट 2 मिलेगा थाने कल, तो वेट कीजिएगा मेरा रिजोर्ट और सब कुछ बिल्कुल डिटेल में दिखाए जाओगे, बहुत हर खातर सरप्राइज है, और मेरा ड्राइवर भी दिखाऊंगी थाने कौन है मेरा एक्सपर्ट ड्राइवर, ठीक है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय गाइस, टाटा।